हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजन ब्यूटी हॉल। मैंने अमेजन से कुछ मेकअप एंड स्किन केयर के प्रोडक्ट बाय किए हैं, तो आपको सारे प्रोडक्ट के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो एक बार जरूर चेक कर लेना। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं मेकअप से। जो पहला प्रोडक्ट है मेरे पास वो है स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। इसकी प्राइस 229 रुपीज़ है, लेकिन ये आपको 180 के अराउंड अमेजन में इजीली मिल जाएगी। इसमें मेरा शेड है 02 और इसमें ब्यूटीफुल से न्यूड शेड है ब्राउन एंड पिंक टोन में। एज यू कैन सी गाइस, मैंने इस पैलेट को पहले भी यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छी पैलेट है। और इससे पहले जो पैलेट यूज़ करी थी उसका नंबर है 05, उसमें भी ब्यूटीफुल से न्यूड कलर है ये, तो वर्थ करती है ये पैलेट। और अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसे बाय कर सकते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। नेक्स्ट मेरे पास है जस्ट एंड हर्ब की लिप एंड चिक टिंट, और आजकल टिंट बहुत चल रही है तो मैंने ये बाय करी है। इसमें मेरा शेड है 06 पिंक फॉरएवर। इसकी प्राइस 695 रुपीज़ है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्लस इसमें आपको बहुत ही कम क्वांटिटी मिलती है। तो जो शेड है वो एक डार्क पिंक शेड है और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। मैंने इसे लिप्स पे अप्लाई करके भी देखा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। तो इसकी जो प्राइस है 695 रुपीज़, उसके अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट वर्थ नहीं करता है। नेक्स्ट मेरे पास है मेबलिन का हाइपरकर्ल वाटरप्रूफ मस्कारा। मेरे पास मेबलिन का एक और मस्कारा है वो इजी वॉश है, ये मैं यूज कर चुकी हूँ, उसके बाद मैंने इसे बाय किया है। मेबलिन के मस्कारास बहुत अच्छे हैं, आपके लेशेस को अच्छी खासी वॉल्यूम दे देते हैं, लेंथ दे देते हैं, और ये अफोर्डेबल भी है। ये अमेजन पे आपको 250 में इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है लेक्मी अब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। इसकी प्राइस 299 रुपीज़ है, और इसको लगाने के बाद जो स्किन होती है वो बहुत ही स्मूथ फील करती है, प्लस इसमें एक पिंक टोन है तो बहुत फ्रेश भी लगती है, और आपके जो भी पोर्स वगैरह टेक्सचर होते हैं ना तो उनको ये इजीली ब्लर कर देता है। नेक्स्ट मेरे पास है मेबलिन की लिपस्टिक, और इसमें मेरा शेड है न्यूड नुआंस 657। ये एक ब्राउन शेड है। पहले तो मुझे लगा कि अमेजन वालों ने मेरे को फेक लिपस्टिक दे रही है मेबलिन की, क्योंकि मेरे पास मेबलिन की एक और पहले से लिपस्टिक थी इसी रेंज की। तो आप देख सकते हो इन दोनों की पैकेजिंग में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, बट मैंने फिर थोड़ी बहुत रिसर्च करी और मुझे पता चला कि मेबलिन ने इनकी जो पैकेजिंग है वो चेंज करी है। तो मैं आपको इस शेड का स्वेच दिखा दूंगी, तो आप देख सकते हो ये एक ब्राउन शेड है और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इन लिपस्टिक को बाय कर सकते हो। मेरे पास एक और पहले से इसकी लिपस्टिक है टच ऑफ स्पाइस करके, तो मैं उसका भी स्वेच कर दूंगी ताकि आपको दोनों के शेड में डिफरेंस पता चल जाए। नेक्स्ट मेरे पास है बॉम्बे शेविंग कंपनी की फेस एंड रेजर आईब्रो, और इसमें आपको 2 रेजर मिलती है। मैंने इसकी रिव्यूज़ पढ़े थे, बहुत ही अच्छी रेजर है ये। मैंने इससे पहले कभी फेस शेविंग नहीं करी है, तो मैं सोच रही हूँ करने का, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है वो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो रेज़र है ये अच्छी क्वालिटी की है, अगर आप कोई ढूंढ रहे हो रेज़र तो आप इसे बाय कर सकते हो। इसकी प्राइस 249 रुपीज़ है। अब मोन करते हैं स्किन केयर के प्रोडक्ट की तरफ। तो सबसे पहले मेरे पास है डर्माकोका 10% नियासिनमाइड सीरम फॉर एक्ने मार्क्स। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है, और इसके अंदर आपको ये बोतल मिलती है और ये पंप भी मिलता है, और इसके साथ एक पेज भी आता है। तो इस सीरम में जो इंग्रेडिएंट है उनकी साइंस क्या है, प्लस पीछे सब कुछ मेंशन है कि आपको इस सीरम को कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। इससे पहले मैंने मिनिमलिस्ट का 10% नियासिनमाइड सीरम भी यूज़ किया है और उसका रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है, सो अब मैं इसको ट्राई करना चाहूँगी। नेक्स्ट मेरे पास है ला शील्ड की सनस्क्रीन। मैंने सनस्क्रीन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, यहाँ पे लिख रखा है कि ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, बट जब मैंने इसे ओपन करके देखा तो ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन नहीं है। आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी है और एक वाइट है, तो जेल है तो मुझे लगा ऑयली स्किन वालों के लिए होगी, बट ये बिल्कुल भी ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। और इसको अप्लाई करने के बाद बहुत ही स्मूथ फील होता है। पहले ये वाइट कास्ट छोड़ता है, बट जब हम इसे ब्लेंड कर देते हैं तो वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। तो अगर आप इस सनस्क्रीन को बाय करने का सोच रहे हो, लास्ट शील्ड बहुत ही फेमस सनस्क्रीन है ये, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इसे बाय मत करना, बहुत अनकम्फर्टेबल है ये। नेक्स्ट मेरे पास है मिनिमलिस्ट का सेलिसाइलिक प्लस एलएचए 2% क्लिंजर। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा क्लिंजर है ये, और ये मेरी स्किन पे वर्क कर रहा है। ये मेरी सेकेंड बोतल है और इसकी प्राइस 299 रुपीज़ है, तो आपको 5 या 10% ऑफ मिल जाएगा। इससे मुझे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और मेरे एक्ने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आया है, तो अगर आप एक अच्छा क्लिंजर ढूंढ रहे हो तो आप इसे बाय कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है बहुत ही फेमस प्रोडक्ट, वो है प्लम का ग्रीन टी टॉनिक।
टोनर, ये एक अल्कोहल फ्री टोनर है ये, और अभी मैंने इसे यूज नहीं किया है। पहले तो मुझे लगा ये 100 ml ही आएगा, बट ये 200 ml है, बहुत ही बड़ी बोतल है ये। सो ये अफोर्डेबल है, इसकी प्राइस 390 rupees है, लेकिन आपको ऑफ 300 rupees में मिल जाएगा। अभी मैं आपको इस प्रोडक्ट को लेकर कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैंने अभी इसे यूज नहीं किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ऐसे और भी ब्यूटी एंड फैशन के वीडियोस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर लेना, और सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो एक बार जरूर चेक कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज।